हेलो फ्रेंड्स, आज आपको ऑन टेबल रिमोट मैच करने का आपको मतलब देखना है किस तरीके से रिमोट मैच होता है। ये मतलब ये यूनिट बनाया इसलिए कि गाड़ी में कभी होता क्या है, डोर स्विच खराब रहता है या कोई और प्रॉब्लम वायरिंग इशू रहता है, इसलिए तो मैंने एक छोटा सा एक डिवाइस बना दिया, सिर्फ ऑटो कॉप का इसमें चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें रिमोट काम नहीं कर रहा है, इसे मैच करना है। तो इसे मैच करने के लिए क्या करना, आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से रिमोट मैच होगा। रिमोट मैच करने के लिए फ्रेंड, सबसे पहले मान लीजिए कि आपका यूनिट का रिमोट हेरा गया, गुम हो गया है, तो आपको रिमोट यूनिट रीसेट करना पड़ता है। तो रिमोट रीसेट करने के लिए आपको आई बटन पर ऊपर में आपको मिल जाएगा कि रिमोट रीसेट कैसे करना है। ऊपर में वीडियो आई बटन पर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। तो इसे मैच करने के लिए मैं प्रोसेस थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद डेमो भी दिखा दूंगा। रिमोट मैच करने के लिए सबसे पहले आपको डोर स्विच यानी तार, अगर डोर स्विच लगा हुआ है तो दरवाज़ा खोल के इग्निशन ऑन करना है। तो इग्निशन ऑन करिएगा तो आपको बीप की आवाज़ आएगी और इंडिकेटर फ्लैश करेगी। जैसे ही फ्लैश करेगी आपको 5 बार डोर स्विच दबाना है। तो 5 बार डोर स्विच दबाइएगा, फिर एक बार बीप की आवाज़ आएगी, उस समय आपको लॉक और अनलॉक का बटन बटन साथ में दबा देना है। आपको मैं प्रोसेस करके बताता हूँ। जैसा कि आप देख देख सकते हैं ये रिमोट काम नहीं कर रहा, मैं आपको प्रोसेस पूरा करके दिखाता हूँ। आपको पहले सबसे पहले डोर स्विच ऑन कर दे रहे हैं, उसके बाद इग्निशन ऑन करना है। देखिएगा बीप की आवाज़ आएगी, बीप की आवाज़ आई, 5 बार डोर स्विच दबाना है, 1 2 3 4 5, बीप की आवाज़ आई, लॉक दबा देना है, अनलॉक लॉक, डोर स्विच बंद करिए, इग्निशन ऑफ करिए और चेक कर लीजिए। ये देखिए अनलॉक, ये देखिए लॉक। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऊपर ऑटो कॉप वायरिंग की अगर डायग्राम चाहिए तो ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। आप लाइक और शेयर करें। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।